हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राम फ्रॉम इंडिया। टुडे जो है हम लोग होंग पेंग इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके कैंपस में हैं। अभी हम ये हॉस्पिटल है, अगर इधर आप देखेंगे तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन वियतनाम। ये वियतनाम का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। आप देख सकते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप बात करते हैं इस मेडिकल कॉलेज की, आप इधर देख सकते हैं, इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। अगर आप आगे देखेंगे तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, और इधर देखेंगे तो हॉस्पिटल है, ओपीडी है, सर्जरी डिपार्टमेंट है। ये एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, वियतनाम का बहुत बड़ा कैंपस है इसका। और आपको डे बाई डे हम आपको इस चीज़ को हम आपको अपडेट करते रहेंगे। होंगबेंग यूनिवर्सिटी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। इधर आप देख सकते हैं, आगे आप देखिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट आते हैं। ये देखिए इसका जो है इधर पूरा मैप बना हुआ है, डिपार्टमेंट जो है ए बी सी डी ई एफ जी C3 C2 C4 C5, इस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, इस तरह से इसका जो है डिपार्टमेंट वाइज है। देखेंगे तो इसमें देखिए एक एक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ्स एंड गाइनी डिपार्टमेंट, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियो डिपार्टमेंट, आउटडोर पेशेंट है, हर तरह का डिपार्टमेंट यहाँ पे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस मेडिकल कॉलेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वियतनाम एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वियतनाम का जो मेडिकल कॉलेज है, ये होंगबेंग इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये मेडिकल कॉलेज है। आप इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉलेज जो है वियतनाम का एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वियतनाम का होंगबेंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उसका ओपीडी डिपार्टमेंट है, यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है वियतनाम का। अगर आप वियतनाम में स्टडी करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एकदम इंडिया की तरह यहाँ का मेडिकल कॉलेज है। अगर आप देखेंगे तो ये शहर भी आपको पूरा इंडिया की तरह लगता है, जैसे पटना है, यूपी है, दिल्ली है। अब इधर सड़क के तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर उसी तरीके से बाइक चलती है, उसी तरीके से स्ट्रीट है यहाँ पे। यहाँ का वेदर देखिए जनवरी में है, आज 29 जनवरी है, और आप देखिए इधर का वेदर कैसा है रोड पर। देखिए इसी तरह से पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई का इस तरह से यहाँ पर सिटी होता है, अवेलेबल होता है, उसी तरह से वियतनाम है। जब मैं वियतनाम आया तो मुझे लगा कि ये तो इंडिया का ही पार्ट लगता है, सारा चीज़ अच्छा है। अगर आप मणिपुर जाते होंगे तो, अगर आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ के लोगों का जो बड़ी स्ट्रक्चर है, मणिपुर के जो लोग हैं उनका उनके जैसा स्ट्रक्चर है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा इंडिया के पार्ट में हम आ गए हैं। वेदर अच्छा है, मेडिकल एजुकेशन अच्छा है, एकोमेंडेशन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप MBBS करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑप्शन ले सकते हैं। वियतनाम इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए कॉन्टैक्ट कीजिए दिए हुए नंबर पे, और इसका इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। यहाँ पे जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसका मोर देन मोर इन्फॉर्मेशन हमारे कंपनी से आपको मिल जाएगा, और एडमिशन का प्रोसेस के लिए जो भी प्रोसीजर होती है वो सारा आपको अपडेट मिलेगा। दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आपको एज सुन एज पॉसिबल अपना एडमिशन प्रोसेस करवाएँ, जिससे आपको किस फ्यूचर में किसी भी तरह का दिक्कत वियतनाम में आने में नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप होंगबेंग इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे। हम लोग अभी कैंपस के हैं, अंदर में है, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट है। आप देख लीजिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम इंडिया के पैटर्न पे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। अब इस तरह के यहाँ का, अभी इवनिंग का टाइम है इसलिए आपको यहाँ पर रश कम है, OPD ख़त्म हो गई है, और ये मेडिकल कॉलेज इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ जैसे कि लगता है कि हम लोग इंडिया में ही हैं। आपको बाहर का आपको हमने दिखाया ही है, बाहर का कैसा यहाँ का वेदर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, आप ये कॉलेज का कैंपस का देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फ्रेंडली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, ये बहुत ही बड़ा है। जब आप यहाँ आएंगे, इसका फ़ीस देखेंगे तो फीस के हिसाब से बहुत ही कम फीस पे ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, 30-35 लाख के आसपास। सो माय डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए कॉलेज बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप वियतनाम की अगर बात करते हैं तो इसको आप एक अच्छा ऑप्शन में ले सकते हैं। फाइनली मेरा क्लोजिंग यही है कि आप वियतनाम का अगर बात करते हैं तो आप इंटरनेशनल जो मेडिकल कॉलेज है, होंगबेंग इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये मेडिकल कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है,
ये जो हॉस्पिटल है यहाँ का जो बताया जा रहा है, जैसे हमने पता किया यहाँ यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है इस एरिया का। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग होंगबेंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसका हॉस्पिटल हम आपको विजिट करा रहे थे। ये इधर देखिए जी डिपार्टमेंट है, ये जी जो ब्लॉक है, जी ब्लॉक में आपको गायनोकोलॉजी ऑब्स्ट्रेक्ट की डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जितने ओमेंस हैं उनका सर्जरी किया जाता है और यहाँ पे जो भी होता है ओमेंस से रिलेटेड इलाज होता है। पीछे अगर देखेंगे तो मेडिसिन केयर यूनिट है, यहाँ पे पेशेंट जो है इस डिपार्टमेंट में जो है केयर के लिए रखा जाता है। इस तरह का कैंपस है, आप इधर आप घूम करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंडिया की तरह ये बहुत बड़ा कैंपस है और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो विजिट किया है इस मेडिकल कॉलेज में, हर तरह से पॉजिटिव व्यू आ रही है हमें, और यहाँ पे आप एडमिशन ले करके आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और ये जो है आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप बात करेंगे ना, जो आप यहाँ फीस पे करेंगे ना, उस फीस के भी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत कम फीस में वियतनाम मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इस टाइप के मेडिकल कॉलेज में अगर आप इंडिया में एडमिशन लेते हैं, कम से कम 1 करोड़ आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ पे 24 लाख रुपया फ़ीस पे करेंगे, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उससे भी अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप यहाँ विजिट करना चाहेंगे तो मैं आपको विजिट भी करवा दूँगा और कॉलेज डिपार्टमेंट देख करके आप अपना एडमिशन लीजिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू ऑल।